हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कैबिन क्रू से। हम लोग बहुत ही इजी स्टेप में सीखने वाले हैं। हमें टू पैरेलल लाइंस की जरूरत पड़ेगी। सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज एंड लुक फॉर नोटिफिकेशन, प्रेस बेल आइकॉन, थैंक यू। तो ये जो बोट है वो बहुत ही आसान है, किसी भी बच्चे को बनाने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। टू पैरेलल लाइन के बाद में लेफ्ट एंड राइट में जब हम एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे तो राइट साइड की स्टैंडिंग लाइन से लेफ्ट साइड की स्टैंडिंग लाइन थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, और फिर इस तरह हम उसका बेस बनाएंगे नीचे की तरफ। उसका जो आगे की तरफ से जो रूफ या हुड होता है वो इस तरीके का हम बनाएंगे। थोड़े डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद कुछ पॉइंट्स लेने के बाद में कर्व लाइन से बहुत ही आसान है नीचे से ऊपर तक कर्व लाइन बनाने के बाद हम उसका एक हुड रेडी करेंगे जो ग्लास टॉप रहता है। ये इस तरह हम उसको ज्वाइन करने के बाद, देखिए एलिवेशन दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। एलिवेशन मतलब पर्सपेक्टिव है, उसके जो फ्रंट एलिवेशन दैट इज फ्रंट साइड, साइड एलिवेशन साइड जो है राइट, दोनों जो साइड है एलिवेशन वो दिखती है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो एलिवेशन हमें दिखता है वो बहुत बनाना जरूरी है। ये जो ग्लास है वो हम फ्रंट जहाँ पे हम बना रहे हैं वो ग्लास रहेगा, आगे की तरफ पीछे की तरफ छोटा सा प्लाट रहता है। फिर इसको बनाने के बाद हम पूरा बेस क्रिएट करेंगे, स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे और फिर उसको ऑल्टरेशन से कलर करेंगे। ये बहुत ही आसान रहेगा। ये उसका हैंडल है, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं इस तरह। सो ये छोटे बच्चे से लेके जिसको ईवीएस में अगर ऐसे कोई छोटे छोटे टॉपिक्स जिसमें स्कूल कहा जाता है कि इसे ड्रॉ कीजिए टाइप्स ऑफ बोर्ड, तो ऐसे आप ये कोर्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान है कि हम आउटलाइन करेंगे स्टेप बाय स्टेप और फिर हम इसको कलर भी करेंगे ऑयल पेस्टल से। यहाँ पर मैं कलर करने जा रही हूँ। आप आर्ट लेसन्स SDA को भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी वीडियोस हैं वहाँ पर, आप उन्हें देखिए जरूर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम ऑयल पेस्टल से कलर करेंगे, कुछ सीनरी थोड़ा बहुत हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो उसे बच्चों को और थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा मज़ा आएगा। इस तरह हमने क्लाउड्स क्रिएट किए, अच्छा हमारे ब्लू कलर में ऑयल पेस्टल में या जिंदगी के कलर हल्का सा कलर देने के बाद हम व्हाइट से उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद उसको हम थोड़ा फिंगर टिप से भी स्मूथली ब्लेंड कर सकते हैं। कलर का फिनिशिंग थोड़ा अच्छा दिखता है। जो शिप बोर्ड के ऊपर जो ग्लास है उसके रिफ्लेक्शन ग्रे टोन में आप दिखा सकते हैं, उसके आजू बाजू में जो भी कोई रिफ्लेक्टेड एरिया है उस कलर में दिखता है उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट एंड रेड कॉम्बिनेशन में कलरिंग कर रही हूँ, तो जो उसका टॉप फूड है वहाँ पर हम थोड़ा रेड कलर देंगे और बॉटम की तरफ रेड देंगे, फ्लैग में थोड़ा रेड देंगे। ये इस तरह हमने थोड़े बहुत शेडिंग के लिए ब्राउन कलर यूज किया हुआ है ऑयल पेस्टल का, और फिर रेड से हम थोड़े ब्लेंड करेंगे शेडिंग करेंगे इस तरह है। अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए जरूर। सो दिस इज वेरी इजी स्टेप टू ड्रॉ एंड कलर दिस टाइप ऑफ बोर्ड, वेरी इजी टू ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप बाय यूजिंग टू पैरेलल लाइन एंड देन गो अहेड विद दिस टॉप एंड बॉटम। जब भी आप कलरिंग करेंगे तो जहाँ पे वाटर आता है जैसे सी हो, ओशन हो या रिवर हो,
या लेक हो, जहाँ पर भी आप बोट बना रहे हैं सीनरी में, तो उसकी रिफ्लेक्शन डालना भूलना मत। जिस कलर का आपका बोट रहेगा उसी कलर में आपको रिफ्लेक्शन में डालना है, रिवर्स मिरर इमेज की तरह। और फिर वाटर वेव्स के लिए हमने थोड़ा ब्लू कलर दिया।